अजय देवगन और काजोल बॉलीवुड के मोस्ट फेवरेट कपल्स में से एक है। आज 2 अप्रैल को अजय देवगन अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। काजोल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अजय को खास अंदाज में बर्थडे विश किया। एक्ट्रेस ने अपने पति की धूप में पोज देते हुए एक तस्वीर शेयर की है, जिसके साथ काजोल ने कैप्शन में लिखा, मैं जानती हूँ कि आप अपने जन्मदिन को लेकर इतने एक्साइटेड हैं कि आप केक के बारे में सोचते ही बच्चों की तरह उछल कूद कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और गोल गोल घूम रहे हैं। हैप्पी बर्थडे अजय देवगन। प्लीज अगर किसी के पास ऐसा करते हुए उनका कोई वीडियो है तो उसे मुझे तुरंत मुझे भेजें। एक्ट्रेस कृति सनन को लेकर चर्चा है कि वो इन दिनों यूके बेस्ड नराई कबीर भैया को डेट कर रही हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में होली सेलिब्रेशन के कुछ फोटोज शेयर किए, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा है कि वो कबीर के साथ रिलेशनशिप में हैं। कृति की लंदन ट्रिप से भी फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वो एक मिस्ट्री मैन के हाथ थामे नजर आई थी, जिसे फैंस कबीर ही मान रहे हैं। इससे पहले भी कृति और कबीर साथ में कई पार्टीज में नजर आ चुके हैं। रणदीप हुड्डा इन दिनों अपनी फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर की सक्सेस का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में सलमान खान के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात की है। उन्होंने कहा, सलमान ने मुझे एक बार बहुत कीमती एडवाइस दी थी, वो हमेशा मुझे ज्यादा पैसा कमाने और ज्यादा काम करने की सलाह देते रहे हैं। सलमान मुझसे कहते थे, अगर मैंने अभी काम करके पैसे नहीं कमाए तो मुझे फ्यूचर में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रणदीप ने कहा, सलमान उनसे बहुत दिलचस्पी के साथ दिल की बातें किया करते हैं। रणदीप ने सलमान के साथ सुल्तान, किक और राधे जैसी फिल्मों में काम किया है। फिल्म एनिमल में धूम मचाने वाले बॉबी देओल ने अपने प्रशंसकों के साथ अपना नया लुक शेयर किया है। उनकी ड्रेस और हेयर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। बॉबी के इंस्टाग्राम पर 3.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपने प्रशंसकों के लिए एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्हें सफेद वी नेक टी शर्ट पहने देखा जा सकता है। उन्होंने इसे काले ब्लेजर और मैचिंग पैंट के साथ पेयर किया है। उन्होंने अपने किलर लुक को एक लॉकेट और ट्रांसपेरेंट चश्मे के साथ कंप्लीट किया है। करीना कपूर, कृति सनन और तब्बू स्टार फिल्म क्रू शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। 3 बड़े फीमेल स्टार्स को लेकर आई इस फीमेल लीड फिल्म की कॉमेडी जनता को जमकर एंटरटेन कर रही है। 4 दिन में क्रू का कलेक्शन 37 करोड़ रुपए के करीब पहुंचने वाला है। फिल्म को लेकर जनता में जैसा माहौल है, उससे ये पूरा भरोसा होता है कि मंगलवार को भी फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी।